एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आप देख रहे हैं आपका और मेरा अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी हब। तो गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आज का जो गाइज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट MCQ 1, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट ड्यूटीज। गाइज, कल पॉलिटी का हमने फंडामेंटल राइट पे MCQ किए थे, तो आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज और DSPS डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे। गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो अगर आप PDF फ्री में लेना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो 6006935167 पर मैसेज करें। इतना लिखना आपने, प्लीज़ एड मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। बस मैं खुद ऐड कर दूंगा। उसके बाद गाइज, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आज का, वो रहेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बिलोंग टू विच आर्टिकल। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 जो है वो डील करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, पार्ट फोर्थ में। उसके बाद गाइज पूछा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, और हम क्या बोलते हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसको हम और नॉवल फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। गाइज, उसके बाद पूछा गया, हु सेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज कंसर्न्ड इन नॉवल फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को नॉवल फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? ये बोला गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको बोला जाता है और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उसके बाद गाइज पूछा गया है, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन, वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है वो किस में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, इनकॉर्पोरेट हुआ था? वो हुआ था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। दे आर नॉन जस्टिसेबल बाई इन्फोर्समेंट बाई कोर्ट ऑफ लॉ। उसके बाद गाइज पूछा गया है, द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कहाँ से मतलब बारो किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने? गाइज, ये किया गया था आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद गाइज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्लासिफाइड इन टू हो मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 सोशलिस्ट पार्ट, नंबर 2 गांधीन पार्ट्स एंड नंबर 3 लिबरल पार्ट्स। उसके बाद गाइज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंक्लूडेड इन गांधी प्रिंसिपल ऑफ डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? आर्टिकल 40, 43, 46, 47 और 48 जो हैं वो आते हैं गांधी प्रिंसिपल के अंडर। उसके बाद गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये किस आर्टिकल से रिलेट करता है? गाइस, ये करता है आर्टिकल 44 से रिलेट। उसके बाद गाइज पूछा गया, आर्टिकल 40 किससे डील करता है? आर्टिकल जो 40 है ये किससे डील करता है? गाइज, ये डील करता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, यानी विलेज पंचायत को एस्टेब्लिश करना और ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। उसके बाद गाइज पूछा गया है, आर्टिकल 48 किससे डील करता है? टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करना, ये आर्टिकल 48 से डील करता है। गाइज, जो आर्टिकल 50 है, एक पूछा गया है, टू सेपरेट जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव डील विद विच आर्टिकल? डील विद आर्टिकल 50, यानी जुडिशरी को सेपरेट करना एग्जीक्यूटिव से, ये किस आर्टिकल से डील करता है? ये आर्टिकल 50 से डील करता है। उसके बाद गाइज पूछा गया है, पार्ट फोर्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये किससे डील करता है? गाइज, ये डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। उसके बाद गाइज पूछा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज डील विद विच आर्टिकल, यानी आपको ये बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल से डील करती हैं? गाइज, ये डील करती हैं आर्टिकल 51A से। उसके बाद पूछा गया है, टोटल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, पहले 10 होती थी, 2002 में एक न्यू ड्यूटी ऐड हुई थी, वो भी हम गाइज पढ़ेंगे इसी वीडियो में, आप वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर।
उसके बाद गाइज पूछा गया फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज एस्टेब्लिश ऑन द रिकॉमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, यानी किसकी रिकॉमेंडेशन, किस कमेटी की रिकॉमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी हिंदुस्तान में एस्टेब्लिश हुई? स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह कमेटी की रिकॉमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद गाइज पूछा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज एडेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाई विच अमेंडमेंट, यानी जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई, और 11th फंडामेंटल ड्यूटीज उसका भी हम पढ़ लेंगे आगे किस अमेंडमेंट के तहत ऐड हुई। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसका आइडिया हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने किस कॉन्स्टिट्यूशन से टेकअप किया था? गाइज ये टेकअप किया था रशिया 7th यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से। 7th यूनियन कुछ बुक्स में लिखा जाता है 7th यूनियन, और कुछ में लिखा जाता है रशिया। रशिया का पुराना नाम यही है 7th यूनियन। उसके बाद गाइज पूछा गया है द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड बाई विच अमेंडमेंट एक्ट? राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या? 11th फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, 6 से लेकर 14 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना हमारे कंट्री के अंदर, ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, एज वेल एज आर्टिकल 21 के अंडर ये हमने कल पढ़ा था फंडामेंटल राइट भी है। उसके बाद गाइस पूछा गया फंडामेंटल ड्यूटीज डील विद पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है किस पार्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है? ये करता है पार्ट 4A से डील। उसके बाद गाइस जो पूछा गया है वो पूछा गया आर्टिकल 47 किससे डील करता है, मतलब शराब वगैरह पीना इन पे सब पे बैन है, ये आर्टिकल 47 के खिलाफ है। उसके बाद गाइस ये थे हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर इनकी आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन होने के लिए आप 6006935167 पे सिंपल मैसेज करें, मेरा नंबर ऐड कर लें, तो आपने मतलब कांटेक्ट में सीव करो इस द स्टडी हब के नाम से, आप मुझे एसएमएस करो प्लीज़ ऐड मी इन ग्रुप, तो मैं आप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो गाइज अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं वहाँ से पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, किसी किस्म की पैड नहीं है। तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, हमारे चैनल पर थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यू आपको पढ़ाए जाते हैं। तो चलो आज की वीडियो को हम करते हैं इधर ही ख़त्म। ओके।